ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग मीनल तिवारी के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री है आज 85,000 करोड़ रुपया ले ज्यादा के लागत के करीबन 6,000 रेल परियोजना के करीन शिलान्यास। छत्तीसगढ़ में करीबन 43 रेल परियोजना के हो इस लोकार्पण। मुख्यमंत्री है आज बालोद में कृषक उन्नति योजना में प्रदेश के 24,72,000 ले ज्यादा किसान मन के खाता में 13,320 करोड़ रुपया के आदान सहायता राशि भेजी। और मुख्यमंत्री है आज बिलासपुर ले नई दिल्ली और कोलकाता पर सोझे हवाई सेवा के हरियर झंडी दिखा के करीन शुभारंभ। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ले 85,000 करोड़ रुपया ले ज्यादा के लागत के करीबन 6,000 रेल परियोजना के शिलान्यास और लोकार्पण करीन। कार्यक्रम में बोलत प्रधानमंत्री है कि हिन की देश ला समृद्धि और औद्योगिक रूप ले विकसित करे में रेल के बहुते बड़े भूमिका हवे। उमन किहिन की पाछू 10 बच्छर में गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना, आधुनिक तकनीक में लोकोमोटिव इंजन बनाए ले लेके नवा पटरी बिछाए, स्टेशन के आधुनिकीकरण जैसन कतकुन काम देश में हो ही। देश में सौर ऊर्जा ले चलैया स्टेशन बनाए जाते, संगे संग स्टेशन में जन औषधि केन्द्र खुला थे। स्थानीय कारीगर, शिल्पकार और स्व सहायता समूह के माइलोगन मन कोती ले बनाई गई कलाकृति शिल्पला स्टेशन में बेचे खातिर स्टॉल खोले जाते। ये मौका में प्रधानमंत्री है छत्तीसगढ़ में करीबन 249 करोड़ रुपया के 43 रेल परियोजना के लोकार्पण और शिलान्यास करीन। इमा वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना में रायपुर रेल मंडल के रायपुर, मांडर, मंदिर हसौ, तिल्दा नेवरा, सरोना और उरकुरा रेलवे स्टेशन समेत राज्य के 18 स्टेशन में 34 ठीन स्टॉल के लोकार्पण शामिल है। उन्हें जांजगीर नैला और पेंड्रा रेलवे स्टेशन में जन औषधि केन्द्र, दुर्ग कोचिंग डिपो में पीट लाइन के बढ़वार और बिलासपुर में रेल कोच रेस्टोरेंट के लोकार्पण घलो करेगी। श्री मोदी है बिलासपुर में वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो, भिलाई में मेमू कार सेट विस्तार और अंबिकापुर में नवा पीट लाइन बनाए पर शिलान्यास करें। रेल परियोजना के शुभारंभ मौका में रायपुर रेलवे स्टेशन में रखे गए कार्यक्रम में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुई। ये मौका में राज्यपाल है किहिन की रेलवे के विकास के सोझे प्रभाव देश के विकास में होते। अमन किहिन की प्रमुख स्टेशन में यहां के उत्पाद पर स्टॉल, रेल कोच रेस्टोरेंट और जन औषधि केन्द्र खोल के कुशल और अकुशल श्रमिक मन पर रोजगार के मौका हवे। ये केन्द्र मन ले वोकल फॉर लोकल ला बढ़ावा मिला थे। उन्हें मुख्यमंत्री है कि हिन की छत्तीसगढ़ में रेल सुविधा के बढ़वार ले यहां के लोगन पर रोजगार के मौका बाढ़ी। उमन भरोसा जतई कि प्रधानमंत्री के अगुवाई में विकास के नवा सोपान गढ़े जाही। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के 55वां स्थापना दिवस के मौका में आज दुर्ग जिला के उतई के सीआईएसएफ क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में समारोह के आयोजन करेगी। समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय शामिल हुई। ये मौका में उमन किहिन की सीआईएसएफ राष्ट्र के गौरव ही नहीं बल्कि विरासत के चिन्हारी है। कार्यक्रम में श्री राय है बलिदानी स्मारक पहुंच के सूरवीर मल्ला फूल माला चढ़ा के सुरता करीन। समारोह में श्री राय परेड के सलामी लीन और विशिष्ट राष्ट्रपति पदक मिले 11 जिन अधिकारी और कर्मचारी मल्ला मेडल दीन। ये मौका में सीआईएसएफ के महानिदेशक नीना सिंह घलो मौजूद रही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है आज बालोद में राखे गए कार्यक्रम में कृषक उन्नति योजना में प्रदेश के 24,72,000 ले ज्यादा किसान मन के बैंक खाता में 13,320 करोड़ रुपया के आदान सहायता राशि भेजी। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह वर्चुअल माध्यम ले संग्रहीन। ये मौका में श्री यादव हकीन की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अगुवाई में देश चहुमुखी विकास करते। उमन यहू किहिन कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ 3 महीना पहले बने भाजपा सरकार अपन वादा के मुताबिक काम करते। बालोद के सरयू प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम में रखे गए ये कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री साय जिला में 28 करोड़ रुपया ले ज्यादा के लागत के 65 ठीन विकास काम के लोकार्पण और भूमि पूजन करीन है। समाचार आगू घलो जारी रही, फिर पहली सुनाओ ये संदेश। बचपन से अब तक मेरी माटी ने दुलारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। जो चल पड़े हैं हम सबके कदम बदलने, भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। आज चल पड़े हैं
अब आगु बढ़बो बांचे समाचार कोती। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ले बिलासपुर ले नई दिल्ली और कोलकाता पर सोझे हवाई सेवा के हरियर झंडी दिखा के शुभारंभ करीन। बिलासपुर के बिलासा देवी केवट विमानतल में राखे गये ये कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव समेत कतकुन जनप्रतिनिधि मौजूद रहीन। आज कोलकाता ले पहली उड़ान भर के बिहनिया 8:55 में बिलासपुर पहुंचीस, उन्हें ये विमान 9:40 में कोलकाता पर रवाना हुईस। ऐसने दिल्ली ले दूसर विमान 9:30 बिलासपुर पहुंचीस, जौन 10:10 में दिल्ली पर रवाना हुईस। कार्यक्रम में बोलत मुख्यमंत्री है कि हिन की आज बिलासपुर के लोगन के अरसा ले करे जात मांग पूरा हो गये। ये हवाई सेवा के फायदा बिलासपुर समेत पूरा छत्तीसगढ़ ला मिली। उमन कहिन के बिलासपुर हवाई अड्डा ला अपग्रेड करे के काम चलत है। जल्दी चिहान नाइट लैंडिंग के सुविधा शुरू होही। उप मुख्यमंत्री है भरोसा देवइन की विमान सेवा ला नियमित रूप ले चले मा राज्य सरकार कोती ले सहयोग करे जाही। उमन उम्मीद जतइन की जल्दी बिलासपुर ले हैदराबाद पर विमान सेवा शुरू करे जाही। इसने जगदलपुर ले घलो नई दिल्ली पर आज ले विमान सेवा शुरू हो गये। एलायंस एयर के फ्लाइट दिल्ली ले रवाना होके जबलपुर होवत बिहनिया 11:30 जगदलपुर पहुंचीस। ये मौका मा माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट मा विमान के वाटर कैनन ले स्वागत करेगीस। ये विमान जगदलपुर ले हफ्ता में 2 दिन सोमवार और शुक्रवार के उड़ान भरी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और आवास पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी हैदराबाद और हरियाणा के 2 आईटी कंपनी ला नवा रायपुर के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में 90,000 वर्गफीट के आवंटन आदेश सौंपिन। ये कंपनी आईटी इकाई के स्थापना और संचालन करी, एकर ले करीबन 2200 लोगन ला रोजगार मिली। ये बेरा मा मुख्यमंत्री है किहिन की नवा रायपुर ला इनोवेशन हब के रूप में स्थापित करे जाते। अमन किहिन के स्टार्टअप ला बढ़ावा दे बर नवा रायपुर मा इन्क्यूबेशन सेंटर के स्थापना करे जाही। श्री साय बतायन की राज्य सरकार हैदराबाद और बेंगलुरु असन नवा रायपुर में आईटी और आईटी ले जुड़े आने उद्योग ला बढ़ावा दे बर काम करही। उन्हें आवास और पर्यावरण मंत्री श्री चौधरी यकीन कि राज्य सरकार प्रदेश के अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर के योगदान ला और बढ़ाई, जेकर ले राज्य के अर्थव्यवस्था और लोगन की आमदनी बढ़ी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज छोटे उद्यमी मन पर प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र स्थापित करे बर ऋण कार्यक्रम के शुभारंभ करीन। ये कार्यक्रम में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी बिना कोनो गारंटी उद्यमी मनला कमती ब्याज में कर्जा दी ही। नई दिल्ली में जनसभा में बोला डॉक्टर मांडविया कहिन की यह कार्यक्रम छोटे स्तर के उद्यमी मनला अपन जनऔषधि केन्द्र के बढ़वार करे और ओला उन्नत बनाये में सहायक हो ही। उमन कहिन की ये कार्यक्रम में 4,00,000 रूपया के कर्जा दे जाही। देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए लागू हो गये है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सीएए लागू करे खातिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ला शुभकामना दीन है। उमन किहिन की ये कानून के लागू होए ले 3 पड़ोसी देश अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक मल्ला भारत के नागरिकता मिल सकी। रमजान के पवित्र महीना आज ले शुरू हो गये। रमजान के 30 रोजा पूरा होए के बाद ईद मनाए जाते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रमजान के लोगन मनला बधाई और शुभकामना दिन है। खेल प्रतिभा ला बढ़ावा दे खातिर 14 मार्च के राज्य खेल अलंकरण समारोह रखे जाही। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। प्रधानमंत्री है आज 85,000 करोड़ रूपया ले ज्यादा के लागत के करीबन 6,000 रेल परियोजना के करीन शिलान्यास। छत्तीसगढ़ में करीबन 43 रेल परियोजना के हो इस लोकार्पण। मुख्यमंत्री है आज बालोद में कृषक उन्नति योजना में प्रदेश के 24,72,000 ले ज्यादा किसान मन के खाता में 13,320 करोड़ रूपया के आदान सहायता राशि भेजी। और मुख्यमंत्री है आज बिलासपुर ले नई दिल्ली और कोलकाता पर सोझे हवाई सेवा के हरियर झंडी दिखा के करी शुभारंभ। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।